नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने वाली बहुत ही एक हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि हमने डाइट को ध्यान में रखकर बनाई है और यह शुगर फ्री है। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, शुगर फ्री लड्डू। इसके लिए ज़रूरत है हमें सॉफ्ट वाले खजूर, 4 टेबल स्पून सॉफ्ट वाले खजूर, जिन्हें कि हमने काट कर पहले से गुठली निकाल कर रखा हुआ है, और 2 टेबल स्पून मखाने, जो कि रोस्ट करके हमने पहले से ही काट कर रखे हुए हैं, और अब 2 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड, 2 टेबल स्पून पम्पकिन सीड, नारियल घिस कर रखा हुआ है हमने 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून कैश्यू नट कटे हुए, 2 टेबल स्पून वाटरमेलन सीड और 2 टेबल स्पून बादाम काट कर रखे हुए हैं हमने। यह सब सामग्री हम पहले ही तैयार कर लेंगे, और अब हम गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालते हैं, और सबसे पहले हम इसमें पॉपी सीड्स या खसखस दाने 1/2 टेबल स्पून लेते हैं, और घी गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 टेबल स्पून पॉपी सीड डालते हैं। जब यह चटकने लगे तो इसमें धीरे धीरे करके 1-1 ड्राई फ्रूट डालेंगे, 2 टेबल स्पून बादाम डालेंगे कटे हुए, और उसके बाद कैश्यू नट 2 टेबल स्पून, उसके बाद 2 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड, और इसको धीरे धीरे करके भूनते रहेंगे। जब यह धीरे धीरे रोस्ट होने लगे, आंच को मध्यम ही रखेंगे और धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को एक एक करके रोस्ट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ कोई चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है, कोई चीज़ कम टाइम लेती है, तो हम एक एक करके जो चीज़ ज़्यादा समय लेती है उसको पहले डालेंगे। 2 टेबल स्पून जैसे पम्पकिन सीड डाले अभी हमने, और इनको भी रोस्ट कर लेंगे धीरे धीरे। आंच को ज़्यादा तेज ना करें, नहीं तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। अब इनको भूनते हुए अब हम 2 टेबल स्पून वाटरमेलन सीड डालेंगे, इसको भी भून ले धीरे धीरे करके। जब ये अच्छे से भूनने लगे, खुशबू आने लगे, और इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इनके तत्व नष्ट हो जाएंगे। इनको भूनते हुए आखिरी में हम सबसे आखिरी में नारियल डालेंगे और 2 टेबल स्पून भुने हुए मखाने डालेंगे। दो टेबल स्पून मखाना डालते हैं। अब इसको भी यह सारा घी सोक कर लेगा, जितना भी घी आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि मखाना बहुत ज़्यादा घी सोक करता है। हमने पहले ही बहुत कम घी में उसको रोस्ट किया था, तो अब ये सारा घी रोस्ट भुने हुए मखाने उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अंत में हम उसमें 2 टेबल स्पून घिसा हुआ नारियल भी डालेंगे। धीरे धीरे इनको भूनते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे ताकि लग नहीं पाए। आप 2 टेबल स्पून लास्ट में हम नारियल बुरादा या घिसा हुआ नारियल डाल देंगे। यह लड्डू बने हुए काफ़ी दिनों तक हम अपने रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया इसमें, और ये काफ़ी समय तक ताज़े बने रहते हैं, और रोज़ हम एक खाएंगे तो इम्यूनिटी लेवल हमारा बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे रोस्ट करते हुए जब देख लें कि हम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं सारी सामग्री, तो गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे, और इसमें कटे हुए खजूर मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे करके सारे कटे हुए 4 टेबल स्पून खजूर डाले हमने, एक मात्रा बताई है, सभी सामग्री 2-2 टेबल स्पून है, और खजूर जैसे मसल, अगर हमने काटे नहीं तो हम इनको मसल कर भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं, इनकी गुठली निकाल के अलग कर दें और इनको मसल कर भी हम चाहे तो उसमें मिला सकते हैं, अगर आप काटना नहीं चाहते तो। धीरे धीरे करके ऐसे 4 टेबल स्पून हम सारा इसमें खजूर मिक्स कर देंगे। अपने हाथों से इनको बाद में मसलेंगे
और लड्डू बनाएंगे। देखिए अब सारी सामग्री जब ठंडी हो जाती है तो हम अपने हाथों से अच्छे से मसल के इनके लड्डू बांध लेते हैं। यह लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जब आप इनको खाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों से लड्डू बना लेंगे। देखिए स्वादिष्ट लड्डू तैयार है हमारे, आप भी खाइए और अपने घर के सभी लोगों को खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए। व्रत में भी आप इनको खा सकते हैं अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।